नमस्कार दोस्तों, नीरू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिली पोटैटो, जिसके लिए हमने ये फिंगर चिप्स फ्राई कर लिए हैं। इसको मैंने कट किया, बॉईल किया और फ्राई कर लिया। ये प्रोसेस मैंने सब कर लिया है। डीप फ्राई दो बार मैंने इसको किया है। अगर आपको बनाना है तो इसको कट करके ऐसे पीसेज में, फिर उसको थोड़ा सा बॉईल करिए पानी में, उसके बाद फिर उसको छान लीजिए, थोड़ा सा सुखा लीजिए, फिर डीप फ्राई करिए। एक बार पहले फ्राई करिए, फिर उसको निकाल लीजिए, फिर उसको दोबारा डीप फ्राई कीजिए। तो हमारा ये फिंगर चिप्स तैयार है। अब हमने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है और हम अपनी चिली पोटैटो में डालेंगे। ये देखिए, ये लहसुन, ये मैंने कद्दूकस किया है, इसको आप पीस भी सकते हैं। मैंने कद्दूकस किया है। थोड़े से गार्लिक, ओनियन, ओनियन को मैंने चॉप किया है। देखिए ऐसे ऐसे पीसेज में करिएगा, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। तो ये थोड़ा सा रहता है कि उसमें हमारे, जब हम खाते हैं चिली पोटैटो तो उसमें अच्छा लगता है। और ये मैंने लिया है हरी धनिया, ये हरी मिर्च थोड़े से मैंने कट किए हैं। बाकी मैं उसमें सॉस शेजवान डालूंगी, टोमेटो सॉस डालूंगी और हरी चटनी डालूंगी। बाकी और कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ। शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ। आपकी जो इच्छा हो आप शिमला मिर्च डालिए या स्किप कर दीजिए, आपकी इच्छा अनुसार। तो ये चीज़ें मैं डालूंगी चिली पोटैटो में। ये देखिए हमारा कढ़ाई हीट हो गया है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया। ये हमारा ऑयल गरम हो गया है। मैं इसमें डाल दूंगी ये अपने कटे हुए हरी मिर्च, ऑनियन अपने कटे हुए, और ये जो मैंने लहसुन की कलियां कद्दूकस की थी इसको भी इसी में डाल दूंगी। डालने के लिए बहुत चीज़ें डाली जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। मैं बहुत कम चीज़ों में चिली पोटैटो घर पे बना रही हूँ, लेकिन खाने में स्वादिष्ट बनता है। आप भी ट्राई करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो रेसिपी डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो हम ये अपने ओनियन और अपने गार्लिक और ये मिर्च जो डाला है इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया जाता है, जैसे होटलों में मिलता है आपने देखा ही है। तो बहुत ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसको ब्राउन करेंगे। ये हमारा ओनियन, गार्लिक, मिर्च ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा शेजवान चटनी और हरी धनिया की चटनी मैंने पीस के रखा था, उसको मैं डाल दूंगी इसमें। ये मैं डाल रही हूँ शेजवान चटनी, थोड़ा सा। थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी, इससे तीखापन, क्योंकि मैं बहुत मिर्च का प्रयोग नहीं करूँगी, इससे ही हमारा तीखापन आ जाएगा। नाम तो इसका चिली पोटैटो, लेकिन मैं इसमें चिली ज़्यादा नहीं डालूँगी। और मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस ज़्यादा मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा नमक, जितना आपको डालना है, आपका जितना आपका फिंगर चिप्स है उस हिसाब से आप नमक इसमें ऐड कर दीजिए। इसको हम चलाएंगे और थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से उबाल लूँगी। पक जाए, जो कि ये हमारा सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो जाए।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने जो सॉस वगैरह डाला था इसको अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने अपना फिंगर चिप्स फ्राई करके रखा था, हम इसमें डाल देंगे। ला देंगे एक मिनट तक, अच्छे से मिला दीजिए उलट पलट के। बस हमारा चिली पोटैटो बन के रेडी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। जैसे होटलों में चिली पोटैटो मिलता है सेम वही स्वाद मिलेगा, उससे अच्छा ही स्वाद घर पे बना हुआ चिली पोटैटो को मिलेगा। देखिए इसको थोड़ी देर हम एक मिनट के लिए थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा इसमें भून देंगे तो ये खाने में और टेस्टी आएगा। ये हमारा देखिए चिली पोटैटो बनके एकदम रेडी हो गया है, कलर भी अच्छा आया है, सब कुछ अच्छा है। अब हमारा चिली पोटैटो बनके एकदम रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा चिली पोटैटो बनके रेडी हो गया है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए, ये आपको, आपके लिए दोस्तों मेरी तरफ से, ये एकदम बाजार के जैसे ना। तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों कमेंट भी करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपसे मैं नए रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ।